बिनती अगन जरे निज बासर कौन ओहे समझावे रे। वह तो अपनी जगह बैठा है, उसको तो इस बात का ज्ञान नहीं है, उसको तो इस बात का होश नहीं है कि कोई उसके निजा में बैठी है। उस प्रभु को इस बात का पता है ही नहीं कि कोई भगत उसके इंतजार में अपने शरीर को सुखा रहा है। और अगर वह नहीं है, अगर उसको ज्ञान नहीं है, तो फिर मैं किसको कहूं, कौन समझेगा। ये तो ऐसा होगा कि कागा सब चुन खाई हो, चुन चुन खाई हो मांस। अगर मैं मर भी जाऊं, अगर मेरी लाश कहीं फेंक दें, जंगल में फेंक दें, और कौए अगर तुम आओगी तो कागा सब तन खाई हो और चुन चुन खाई हो मांस, दो नैना मत खाई हो पीव मिलन की आस। तुम एक बात करना, तुम मेरी मेरे ऊपर इतनी रहम करना कि मेरा सारा शरीर तोड़ करके मेरे मरते हुए शरीर को तो खा लेना पड़े, मगर मेरे दो आंखें मत खाना। दो आंखों को ज्यों का त्यों बनाए रखना, क्योंकि मेरे मन में एक आस है, एक उम्मीद है कि वो जरूर मरने के बाद तो आएगा ही। हो सकता है कि इस जिंदा जी उसको नहीं देख पाऊं, हो सकता है कि इस जीवन में उसको देखना नसीब नहीं हो, मगर मरने के बाद भी अगर आए और मैं नहीं देखा तो कितनी दुख होगा, कितनी वेदना होगी। एक विरहिणी की कितनी दशा है, किस स्तर पर जाके सोच लेती है, उसमें कितना धैर्य है, अपने मन को समझाने की कितनी बड़ी बात है। उसने कहा कि मर जाऊं इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मैं अपने आप को फना कर दूं इस बात का कोई इल्म नहीं। इल्म तो यह है कि मरने के बाद तुम आओगे, इस बात का मुझे ज्ञान है ही, इस बात का मुझे इल्म है कि जिंदे जी तुम भले नहीं आओ तरसाओ, ये तो तुम्हारी एक आदत है, ये तुम्हारा एक सुकून है, तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है, मगर इस बात का मुझे पूरा इल्म है, पूरा विश्वास है कि मैं मरूंगी और तुम जरूर आओगे, आओगे और मैं तुम्हें देख लूंगी और मेरे जीवन की एक छटा दूर हो जाएगी, मगर तुम्हारे बिना तो ठीक वैसी हालत हो रही है जिस प्रकार एक कुमुदिनी की होती है, बिना चांद देखे कुमुदिनी मुरझा जाती है, कुमुदिनी का फूल अपने आप में मुरझा करके सूख जाता है, पानी मिलता है, हवा भी मिलती है, सब कुछ मिलते हुए भी यदि चांद नहीं उगे तो मुरझा करके समाप्त हो जाती है, और जो ही चांद होगा तो मुरझाई हुई कुमुदिनी में भी एक खिलखिलाहट आ जाती है, एक मुस्कुराहट आ जाती है, पूरी तरह से खिल जाती है, ऐसा सुगंध देने लग जाती है कि जैसे वास्तव में कुमुदिनी से ज्यादा सुगंधित फूल तो कुछ है ही नहीं। विरहिण व्याकुल केशवा निस्दिन दुखी बिहार, निस्दिन रात दिन दुखी है, विरहिण व्याकुल केशवा निस्दिन दुखी बिहार, जैसे चंद कुमुदिनी बिना देखे कुमला है। जिस प्रकार से बिना चांद को देखे हुए कुमुदिनी कुमला जाती है, ठीक उसी प्रकार से मेरा सारा शरीर अपने आप में तुम्हें बिना देखे कुमला गया है, मुरझा गया है। इस शरीर में अब किसी प्रकार की चमक नहीं रही और मैं इस शरीर में अब चमक रखना भी नहीं चाहती। अब इस शरीर का कोई मतलब भी नहीं है, अब इस शरीर का कोई मकसद है भी नहीं, जिसके काम नहीं आ सके फिर उस शरीर को मैं रख करके बाहर लेकर करूं भी क्या, फिर शरीर को तो एक मुर्दे की तरह अपने कंधे पर ढोए हुए चली जा रही हूँ, फिर तो मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और मेरे पांव अपने आप में कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इस बात का तो मुझे कुछ होश रहता ही नहीं है, ही नहीं होश, मैं क्या करूं इसका मुझे ज्ञान नहीं है। दीन दुखी दीदार बिन घड़ी पलक जग नाए, तुम्हारे दर्शनों के बिना तुम्हें बिना मिले तो एक घड़ी एक पलक भी जग नहीं है, चैन नहीं है, आराम नहीं है। दीन दुखी दीदार बिन घड़ी पलक जग नाए, दर्श दया कर दीजिए प्राण इंद्र से नाए। ये बात तो तुम निश्चित समझना कि अगर तुम जब तक नहीं आओगे प्राण इस देश से निकलेंगे नहीं, निकल भी नहीं सकते, अटके रहेंगे और तब तक अटके रहेंगे जब तक तुम नहीं आओगे। हो सकता है कि मैं सांस की दूरी लिए हुए 4 महीने 6 महीने साल 2 साल चलते हो, ये हो सकता है कि मेरे प्राण अटके हुए रहे, लोग पूछेंगे क्या हुआ, लोग पूछेंगे प्राण निकल नहीं रहे, मगर मेरे प्राण निकल ही नहीं सकते क्योंकि मैंने जीवन का प्रारंभ अगर तुम्हारे इंतजार में किया है, तुम्हारे विरह में किया है, तो मेरे जीवन का अंत तुमसे मिलने के ही होगा, और जिस दिन तुम मिलोगे उस दिन अपने आप आंखें बंद हो जाएंगी, उस दिन मैं तुम्हें अपनी आंखों में समेट लूंगा, उस दिन मैं अपनी आंखों में तुम्हें बसा लूंगा। पलकन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, मैं तो इन आंखों की कोठरी करना चाहती हूँ और उसमें जो पुतली है पुतली पलंग बिछाना चाहती हूँ,
पलकन की चिकनारी के पियो को लिया रिझाए और उसके ऊपर पलकों की चिकनार करके मैं तुम्हें रिझा दूंगी, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, मगर उस चिक को इस प्रकार से डालूंगी कि ना मैं देखूं और को ना तो ही देखने दे। मैं भी अपने आप में इतना तो विचार रखती ही हूँ, इतना तो सोचती हूँ, ये तो मेरे मन में है ही कि मैं उसके बाद तुम्हें पुतली पलंग बिछाए और आंखन की कर कोठरी, आंखों की कोठरी करके मैं उसमें अंदर तुम्हें बिठाऊंगी और लिटाऊंगी, तो फिर तुम्हें ये बात निश्चित रूप से है कि कोई उसको देख नहीं पाएगा, मैं ही देखूंगी, पास बैठी रहूंगी, मैं गाऊंगी, मैं नाचूंगी, मैं मुस्कुराऊंगी, मैं चिलचिलाऊंगी, जिस तरीके से भी तुम खुश होंगी उस तरीके से तुम्हें खुश करूंगा, और उस खुश करने में ही मेरे जीवन का आनंद है, उस खुश करने में मेरे जीवन की सफलता है, आनंद है, पूर्णता है, तृप्ति है, और यदि मैं तुम्हें खुश ही नहीं कर सकी तो फिर जीवन का मेरा कोई मकसद नहीं रहेगा, फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा, मेरे जीवन का तो एक ही तो इल्म है, मुझे एक ही तो बात आती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं, एक ही तो है कि किस क्षण तुम मेरे घर आओ और किस क्षण मैं तुम्हें पुकारूं, आवाज दूं और तुम्हारे साथ अपने आप को मस्त कर दूं, तृप्त कर दूं। आज एक मस्ती का आलम है, आज कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे नई नई हवा बही है, आज कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे सुगंधित झोंका आया है, मुझे लग रहा है कि शायद तुम आ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जरूर आ रहे हो, क्योंकि आज तो खाट खुद हंस रही है, आज तो आंगन खुद नाच रहा है, आज तो पूरा घर झूम रहा है, ये सारा घर झूमना, ये पलंग का मुस्कुराना, ये ठंडी हवा चलना, ये मन में उत्साह आना, ये सब इस बात का सूचक, इस बात का परिचायक है कि तुम कहीं आस पास हो, तुम्हारे आने की सुगंध से ये हवा सुगंधित हुई है, तुम्हारे सांसों से ये हवा महकने लगी है, तुम्हारी वजह से तो इस घर में आनंद की खुशियां बिखरने लगी है, आए तब तो दूसरी बात है, मगर अगर तुम नहीं आए उससे पहले ये सब कुछ ऐसा एहसास हो रहा है तो मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है, और मेरा विश्वास अपने आप में पक्का है, इसके पक्का है कि मेरा दिल गवाही दे रहा है, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये सुगंध केवल तुम्हारे शरीर की सुगंध है, क्योंकि मैंने सुगंध को अनुभव किया है, मैं तुम्हारे शरीर की सुगंध को अपने प्राणों में बसाया है, रसपच किया है, मेरे रोम रोम में पोर पोर में तुम्हारे शरीर की सुगंध बसी हुई है, मैं सुगंध को पहचानती हूँ, और कोई पहचाने या नहीं पहचाने, और कोई चाहे समझे या नहीं समझे, मगर मैं इसको पहचानती हूँ, मैं इसको देखती हूँ, मैं इसको अनुभव करती हूँ, मैंने जिंदगी में इस बात को अनुभव किया है, किसी सुगंध के सहारे जिंदगी काटी है, इसी एहसास के सहारे जिंदगी काटी है, यही तो मैंने विचार रहा है कि ऐसा क्षण जरूर आएगा ही, किसी न किसी क्षण मैं तुमसे मिलूंगी ही, किसी न किसी क्षण तुमसे मिलना हो पाएगा, किसी न किसी क्षण पर ऐसा आएगा कि तुम मेरी जिंदगी में आओ और मैं तुम्हें अपने आप में बसा लूं, अपने आप में मोहित कर लूं, अपने आप में सम्मोहित कर लूं, अपने सामने रख लूं, मगर इस समय तो मैं केवल इंतजार में अपनी जिंदगी के एक एक पल को काट रही हूं, इस समय तो मेरे पास तुम्हारी यादों के अलावा कुछ रहा ही नहीं है, मैं तो हूं भी क्या, मैं तो एक तुम्हारा गुलाम हूं, तुम्हारी गुलाम हूं, मेरा कुछ दस्तूर नहीं है, मेरा कुछ मकसूद भी नहीं है, मेरे पास और कोई इल्म भी नहीं है, तेरे ही हुक्म से एक एक सांस मेरी रवां, तेरे इशारे से पैदा नजर में नक्शो निशान, तेरे दम से जवाब पर जहूर लफ्जो बयां, तेरी निगाह कर्म ही सिरक से सोलाए जा, तेरा गुलाम नहीं हूं तो और क्या हूं मैं, तेरी बात से बनती है बात बात मेरी, तेरा ही नाम तो है सारी कायनात मेरी, तेरा ही जिक्र मुकर्रर तो है हयात मेरी, तेरी यादें मुसलसल का रूप जात मेरी, तेरा गुलाम नहीं हूं तो और क्या हूं, तेरी कदमों पे रौनक फरोज हर दो जहां, यही अदब से झुकाए हैं सर मकानों जहां, यही से होता है सबको असूल अमनो अमां, मैं छोड़कर तेरे कदमों को जाऊं भी तो कहां, तेरा गुलाम नहीं हूं तो और क्या हूं, यकीन और जोरे अधीन यही से मिलता है, जनून इश्क मोहब्बत यही से मिलता है, सबूर राज हकीकत यही से मिलता है, सबूर कैफे मुसरत यही से मिलता है, तेरा गुलाम नहीं हूं तो और क्या, इससे अलावा और तुम चाहिए भी क्या, इससे अलावा तुम और मुझसे क्या उम्मीद करते, यही तो है कि तुम मुझे मिलो और मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दूं, यही तो तुम चाहते हो, और मैं भी तो यही चाहती हूँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे मिलो और मैं अपने आप में मगन हो जाऊं, तुम्हारी आदत क्या पड़ गई है ललचाने की, न तुम पत्र लिखते हो न तुम आते हो, और मीरा इसी बात को लेकर भी तो व्यथित है, कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की,
आप न आवे लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी गल चावन की। तो कैसा कठोरता है, कैसी निर्दयता है, ये क्या है? न तुम आते हो और न को लिख करके भेजते हो, न कोई पत्र मिलता है। आप न आवे लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी गल चावन की। ए दो नैन कहियो नहीं माने, नदियां बहे जस सावन। मैं अपने शरीर को तो समझाऊं मगर ये आंखें मेरी बात नहीं मानती। मैं बहुत समझाती हूँ तब भी ये समझती नहीं। इन आंखों से जो सावन की नदियां बहने लग जाती हैं, अब मेरे बस में इन आंखों को समझाना नहीं है, ये तो तुम ही आके समझा सकते हो। का करूं कुछ बस नहीं मेरो, पंख नहीं उड़ जावन की। मेरे कुछ बस नहीं है, मेरे पास पंख भी तो नहीं है कि मैं उड़ करके तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। मीरा कहे प्रभु कब्र मिलोगे, चेरी भई तेरे दामन की। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, चेरी हूँ। मैं तो केवल तुम्हारे इंतजार में ही अपनी जिंदगी को एक समेटे हुए हूँ। मेरी जिंदगी का और कोई लुत्फ है नहीं, मेरी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है। मेरा जिंदगी का एक मकसद है कि मैं तुम्हें पाकर के रहूंगी, हर हालत में तुम्हें पाऊंगी ही, और तुम्हें पाकर के अपने जीवन को एक बार एहसास करा दूंगी कि मैंने अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया उसे मैंने प्राप्त किया। मगर अगर जीवन ऐसा ही है, अगर जीवन का यही मकसद है, अगर तुम मुझे विरह ही देना चाहते हो तो मैं इस विरह को भी लेने के लिए तैयार। मैं इसी में अपनी जिंदगी को काटने के लिए तैयार। सुनी सहज बिथा कहूं कासू, मैं किसको अपनी व्यथा कहूं, तकलीफ अपनी वेदना दुख किसको सुनाऊं, कौन सुनेगा? सुनी सहज बिथा कहूं कासू, अबला धरे नदीर, दादुर मोर पपिया बोले तो मार्ग तुम पीर। और जिस क्षण दादुर बोलते हैं पपिया बोलता है, और ऐसा लगता है जैसे वे बोल नहीं रहे, वे तीर मेरे कलेजे में बैंध रहे। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे समाप्त करने जा रहे। और वह विरहिन उस पपिये को और पपिये की आवाज सुनकर के बहुत दुखी होती है। मन में ऐसा लगता है जैसे तीर चुभ गए, क्योंकि वह पपिया तो पीर पीर बोलता है, और पीर पीर शब्द ही तो उसकी जिंदगी का जंजाल बन गया है। और वो कहती है कि पपिया चौंच कटाए दूं ऊपर डालू रूं, मैं तेरी चौंच जरूर कटाऊंगी, कटाऊंगी ऊपर नमक डाल दूंगी जिससे कि वापिस चौंच लगे नहीं। पपिया चौंच कटाए दूं ऊपर डालू रूं, पिब मेरा मैं पीव की तू पीव कहे सुकून। पिब मेरा है मैं पीव की हूं, मगर तू बीच में पीव पीव बोलने वाला कौन, और यदि तूने आपकी बोला तो जरूर मैं तेरी चौंच कटा दूंगी। कितना उस पक्षी के प्रति भी उसके हृदय में कितनी एकांतता है, कितना व्याकुलता है कि वह केवल मेरा है संसार में और किसी का नहीं है, और किसी का कोई अधिकार भी नहीं है, और कोई उसको पीव शब्द से बोल भी नहीं सकता। मैं बोल सकती हूँ या वह मुझे बोल सकता है, और बीच में तीसरे को बीच में ला करके खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, बस सोच ही नहीं सकती, क्योंकि अब तो ये सारा श्रृंगार भार की तरह लगने लग गया है। ऐसा लगने लगा है कि जैसे ये श्रृंगार ही व्यर्थ है, ये शरीर व्यर्थ है, ये यौवन व्यर्थ है, ये सुंदरता बेकार है। सकल श्रृंगार भार जो लागे मन भावे कछु नाही, अब कुछ अच्छा भी तो नहीं लगता। और ये सारा स्वरूप सारी सुंदरता सारा श्रृंगार भार की तरह लगने लग गया है। कासू बात करूं किन खातर जे पे वो नाही माए, अब मैं किससे बात करूं, कौन मुझे समझाएगा? ये बात ही ऐसी है कि मैं अंदर ही अंदर कट सकती हूँ, मैं कह नहीं सकती, क्योंकि होठों पर आने पर तो वह प्यार ही अपने आप में समाप्त हो जाता है। प्यार तो अपने आप में एक समेटी हुई जिंदगी का एक धड़कन चेतना है जो अंदर है, और उसका पोर पोर खुल करके खुश होती रहती है। कभी मैं तुम्हारा चित्र देखती हूँ और उससे बातें करने लग जाती हूँ, कभी उसको क्रोध करती हूँ, कभी उसको डांटती हूँ कि ये क्या है क्यों नहीं बोलते हो, कभी उसको पुचकारती हूँ, और मैं घंटों उस चित्र के सामने बैठी बैठी तुमसे बातें करती रहती हूँ। इसलिए कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे अंदर बैठे हो। कभी मैं तुम्हारे लिए सहज सजाती हूँ, पलंग बिछाती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, और बिल्कुल नाजुक छुई मुई की तरह घूंघट निकाल करके इंतजार करने में बैठ जाती हूँ कि शायद तुम कभी आओ। और कभी तुम्हारी आहट आती भी है, कभी ऐसा लगता है तुम्हारे पैरों की धमक से एहसास होता है कि जैसे तुम आए।